हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकबर के बारे में, जो मुग़ल साम्राज्य के या मुग़ल सल्तनत कहें, मुग़ल सल्तनत के बहुत बड़े एक बादशाह उभरे थे। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको अकबर के बारे में दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैंने इसमें दे रखा है और ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मुग़ल साम्राज्य के अदर जो बादशाह थे, जैसे बाबर और का हुमायूं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अकबर का जो कार्यकाल था वो 1556 से लेके 1605 तक था, उसके मृत्यु तक। तो उसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में, राणा बीरसाल के यहाँ पे, जहाँ पे हुमायूं ने शरण ली थी जब वो ईरान से वापस आया था। हमने पिछले वीडियो में बताया था हुमायूं के बारे में, जब वो ईरान से वापस लौटा था तो वो राणा बीरसाल के यहाँ ही शरण लिया था और वहीं पे अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। फिर 14 फरवरी 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में पंजाब में। तो बहुत जल्दी उसको उसका राज्याभिषेक करना पड़ा, क्योंकि हुमायूं की डेथ बहुत जल्दी हो गई। वो जब वो 13 साल का ही था उसी समय हुमायूं शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से मात्र 14 साल, देख रहे हैं 1542 से 1556, सिर्फ 14 साल की उम्र में अकबर को का राज्याभिषेक करना पड़ा। तो इसका फ़ायदा फिर जो अदर सूरी वंश के थे उन लोगों ने उठाना चाहा, तो उसमें जो एक था सिकंदर शाह सूरी, उसी कुमार के हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य को वापस लिया था। तो उसका एक सेनापति था जो हेमू, उसका सेनापति था, वो हिंदू था, वो भी बड़ा महत्वाकांक्षी था। वो सोचा, उसको ये पता था कि अकबर की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, भले वो सिंहासन में बैठ गया है लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसे ये मौका लगा कि हम उसको हरा के फिर से मुग़ल साम्राज्य को पा सकते हैं। तो उसने क्या किया, आक्रमण किया। तो उस समय हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू के नेतृत्व में, और अकबर लड़ा बैरम खां के नेतृत्व में। उस समय बैरम खां उसका मुख्य संरक्षक था। तो 1556 में पानीपत में दूसरी लड़ाई हुई, पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसमें बाबर विजयी था, यहाँ पे अकबर विजयी रहा। तो अकबर का सिर्फ नाम था, वो युद्ध तो बैरम खान के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, क्योंकि 14 साल का अकबर उतना लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बैरम खां के नेतृत्व में ही वो लड़ाई लड़ी गई थी। और आखिरकार हेमू मारा गया और अकबर की विजय हुई। उसके बाद जो 1556 से 1560 का कार्यकाल था अकबर के सीज़न में, वो बैरम खान के नेतृत्व में हो रहा था। अकबर सिर्फ सिंहासन में बैठा था लेकिन जो नेतृत्व चल रहा था वो बैरम खान का था। फिर क्या हुआ कि 1560 के आसपास महामंगा एक्टिव हुई, उनका एक लड़का था जो बेटा, वो आदम खान उसका पुत्र था। वो अपने बेटे के लिए चाहती थी कि जो उसका बेटा था वो आदम खान, उसकी उम्र करीब 25 के आसपास थी और अकबर 14 साल का था, तो वो चाहती थी कि किसी तरीके से अकबर को अगर हटाया जाए तो आदम खान बन सकता है, ठीक है, आदम खान को सिंहासन में बैठाया जा सकता है। इसलिए वो कोशिश की कि, लेकिन अकबर को हटाना इतना आसान नहीं था जब तक बैरम खान वहाँ रहेगा। तो उसने एक योजना बनाई कि किसी तरह बैरम खान को हटाया जाए। तो बैरम खान को हटाने के लिए उसने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए, क्योंकि वो एक तरह से मुंहबोली माँ थी अकबर की और अकबर उसको बहुत मानता था, लगभग उसकी हर बात को मानता था। तो एक तरह से माँ की तरह थी वो, वही उसको पाली थी। तो उसने अकबर को कह के उसको बैरम को वहाँ से निकलवाने की योजना बनाई। तो बैरम के लिए अकबर ने 3 कंडीशन लगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से मानता था महामंगा को, जो उसके पास सामान थी। तो उसने बैरम खां को 3 कंडीशन दिया, एक तो कालपी की सुबेदारी ले लो, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लो, या फिर हज की यात्रा पर चले जाओ। तो जो बैरम खान था वो काफ़ी समझदार था,
वो समझ गया कि ये अकबर ज़रूर बोल रहे हैं लेकिन इसके पीछे महामंगा का हाथ है। वो समझ गया कि मेरा टाइम हो चुका है और अब हमें हज यात्रा पे चले जाना चाहिए, तो वो हज यात्रा पे ही जाना ज़्यादा अच्छा समझा, तो उसने हज यात्रा पर गया। लेकिन फिर रास्ते में ये सुना गया कि 1560 में अफ़गानी फोर्सेस के द्वारा उसको मार दिया गया। इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं लेकिन फ़िलहाल यही है कि अफ़गानी फोर्सेस के द्वारा, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अकबर ने ही मरवा दिया, लेकिन ऐसा किया नहीं होगा, अकबर उसे पिता समान मानता था। फिर जो 1560 से 1662 का एरा था उसको महामंगा ने लीड किया। उस समय अकबर अपने जो युद्ध कला थी उसको सीखने में, तलवार वगैरह ये सब में बिजी थे, तो उस समय का जो कार्यकाल था वो ज़्यादातर महामंगा ने देखा। और उस गवर्नमेंट को बोलते हैं हरम का गवर्नमेंट, या उसको हम पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। उन्हीं का लड़का था आदम खान, जिसके लिए उन्होंने बैरम खान को हटाया, लेकिन उनका कुछ चल नहीं पाया। अकबर काफ़ी होशियार निकला और वो आदम खान का उसके आगे कुछ चल नहीं पाया, तो बैरम खान को हटाना एक तरह से कोई फ़ायदे का नहीं रहा महामंगा के लिए। फिर 1561 में हराम गवर्नमेंट के अंतर्गत ही जो लड़ाई लड़ी गई उसमें मालवा का बाज बहादुर को हराया। फिर 1562 में ट्रीटी ऑफ आमेर में क्या हुआ कि सबसे पहले जब वो जीतने की उसमें आया कि अब हमें अपने साम्राज्य को फैलाना है, तो सबसे पहले वो रुख किया, एक राजपूतों का राज्य था आमेर, तो आमेर को वो बनाना चाहता था, अपने शासन में मिलाना चाह रहा था। तो आमेर पे सबसे पहले वो आमेर को एक तरह से लेटर भेजा गया कि या तो आप हमारी उसको प्रभुत्ता को क्या कहते हैं कि मानिए, या नहीं तो फिर युद्ध करिए। तो मुग़ल की सेना इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके साथ लड़ने की क्षमता राजपूतों में नहीं थी, तो जो वहाँ के राजा थे, राजा भारमल, वो समझ गए कि ये आमेर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो पहले राजपूत हुए जो मुग़ल सेना की या मुग़लों के अधीनता को स्वीकार किए, वो पहले थे। फिर उन काफ़ी राजपूत उनसे नाराज़ हुए ऐसा करने के लिए, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि अगर हम अपनी बेटी को वो कुर्बान किए इसके लिए कि अगर लड़ाई होती है तो काफ़ी क्षति होगी अपने राज्य की, तो उन्होंने अपनी बेटी को कुर्बान किया इसके लिए। उनका नाम था हरकाबाई, या उन्हीं का नाम था हीरा कुमारी, बाद में उनको जोधा का टाइटल दिया अकबर ने। तो उन्होंने क्या किया कि शादी का प्रस्ताव रखा अकबर के सामने, तो अकबर बड़ा सोच में पड़ गया कि ये तो हिंदू है, तो लेकिन अकबर इस सब चीज़ों को मानता नहीं था, इसलिए वो तैयार हो गया। और तैयार तो हो गया लेकिन फिर उसकी तरफ, इस्लाम की तरफ बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि ये क्या कर रहा है। बहुत सारा विवाद उस समय हुआ अकबर को लोग लेके, लेकिन अकबर अपने मन का सारा कुछ किया। उसके बाद जो 14 से 4 साल के बाद बैरम खां के जाने के बाद जो उसने गद्दी संभाली और ख़ुद सारा कुछ लिया, उसके बाद वो किसी का नहीं सुना। तो जब शादी वादी हो गई उसके बाद उसने काफ़ी कुछ अच्छे काम भी किए, क्योंकि जोधा जो थी वो बड़ी समझदार थी और युद्ध में भी निपुण थी, तो हर तरह से उसका हेल्प करती थी। और अकबर का एक और शादी हुआ था उससे पहले, वो थी रुकैया बेगम से। तो रुकैया बेगम इनसे बहुत जलती थी जोधा भाई से, क्योंकि जो राजपूताना लड़कियां थी पहले उनको पहले ही सिखाया जाता था युद्ध कौशल में, वो निपुण होती थी, तो जो अकबर था उसको उसमें भी मदद मिलती थी उनसे। वो कभी कभी उनसे नीतियों पर भी बात करता था, सलाह वलाह भी ले लेता था, और उसको कभी कभी राजदरबार में भी ले जाता था। इससे रुकैया को बड़ी परेशानी होती थी, बहुत जलती थी उनसे। तो कुछ अच्छे काम हुए जोधा की वजह से आ जाने के बाद। उस लाइब्रेरी सिस्टम को हटाया उन्होंने, जो नौकर बनाने वाले सिस्टम थी, या जो पहले के था गुलाम बनाए जाते थे, गुलाम जहाँ भी जीतते थे, जहाँ जाते थे जीतते थे, वहाँ को गुलाम बहुत सारे गुलाम बना के ले जाते थे। और यहाँ तक था कि जो जितना ज़्यादा गुलाम बना लेता था उसको उतना ज़्यादा बड़ा राजा माना जाता था और बड़ा ताकतवर माना जाता था सुल्तान उसको। लेकिन अकबर ऐसा कुछ नहीं करता था, उसने इस सिस्टम को बंद कराया कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए। उसके बाद उसने 1563 में पिलग्रिम टैक्स को भी बंद कराया, वो तीर्थ यात्रा से रिलेटेड कर था।
उसके बाद 1564 में जजिया कर रोका, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और ये ऐसा कर था जो ब्राह्मणों तक भी और महिलाओं पे भी लगता था, तो इसको भी बंद कराया। 1569 में फिर युद्ध हुआ, रणथंभौर और बुंदेलखंड को मिलाया। 1571 में फतेह सीकरी को कैपिटल बनाया, फतेहपुर सीकरी या फतेह सीकरी। 1573 में मुजफ्फर शाह को अपने में मिला लिया। फिर 1576 में हल्दी घाटी का एक फेमस लड़ाई हुआ जो महाराणा प्रताप के साथ हुआ, और उसको अकबर ने बड़े निपुणता से मानसिंह को कमांडर बना के चीफ कमांडर बना दिया, जो कि जोधाबाई का भतीजा था। अब मानसिंह महाराणा प्रताप को बहुत मानते थे, बहुत पूजनीय थे उनके लिए, लेकिन जो कंडीशन थी वो उनके लिए बड़ी असमंजस वाली स्थिति थी। लेकिन जोधाबाई ने समझाया कि पहले आपका कर्तव्य इधर से बनता है, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी महाराणा प्रताप के ख़िलाफ़। तो ये लड़ाई अकबर से तो थी, लेकिन जो मेन लड़ाई लड़ी गई वो मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच ही लड़ी गई थी। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई और उन्हें अपना छोड़ना पड़ा, लेकिन वो आखिरी तक महाराणा प्रताप कभी अधीनता स्वीकार नहीं किए मुगलों का, भले वो जंगलों में घूमते रहे लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किए। इसलिए उनको द ग्रेट महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, कभी भी अपने आप को पराधीन नहीं किया। फिर 1575 में इबादत खाना बनाया। तो इबादत खाना जो बना था वो मुस्लिम के लिए था, तो बाद में उसे लगा कि ये तो ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है क्रम में लिखने में, तो हमने ऐसा कर दिया है। तो पहले इबादत खाना हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। इबादत खाना में मुस्लिम लोग के लिए बना था, बाद में उसने 1578 में उसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन घोषित कर दिया कि उसमें सारे लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मन करे सभी धर्म के लोग उसमें जा सकते हैं। तो क्या हुआ कि सबको प्रॉब्लम हो गया, ना तो फिर उसमें हिंदू गए ना तो फिर मुस्लिम गए, तो वो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गया दोनों ही को, तो वो एक तरह से बेकार ही हो गया ये रिलीजन। फिर काबुल को अपने कब्ज़े में लिया 1581 में। 1582 में उसने एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही। उसे लगा कि जब ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन नहीं चल पाया, इबादत खाना जो उसने सबके लिए बना रखा था कि जहाँ सिर्फ मुस्लिम जा रहे हैं वहाँ हिंदू भी जाएं, तो ऐसा हो नहीं पाया, तो उसने क्या किया, एक नया धर्म बनाया। दीन इलाही कुछ ऐसा धर्म था जो सभी के लिए इक्वल था, सर्वधर्म धर्म संभाव की तरह। लेकिन इसको भी किसी ने नहीं माना, सिर्फ बीरबल एक ऐसा था जिसने इस धर्म को अपनाया। और बीरबल वैसे तो ये हिंदू था, लेकिन उसका एडवाइजरी होने के नाते उसने इस धर्म को अपनाया। उसका जो ओरिजिनल नाम था वो महेश दास था। फिर 1586 में कश्मीर को अब कब्ज़ा किया, 1592 में सिंध पे कब्ज़ा किया, 1599 में अहमदनगर चांद बीवी का उसको भी अपने में मिला लिया। फिर 1601 में आसिरगढ़ को अपने में मिलाया। तो इन सब चीज़ों से हम देख रहे हैं कि अकबर ने काफ़ी विस्तारवाद किया मुग़ल साम्राज्य में, जितना उसे मिला नहीं था उसका दुगुना तिगुना उसने साम्राज्यवाद बढ़ाया अपना। तो काफ़ी कुछ काम किया, कुछ उसके अच्छे काम भी रहे, जो उसने काफ़ी टैक्स को कम किया, हिंदुओं को हमेशा मिला के रखा, इससे कभी भी हिंदू या मुस्लिम का कुछ कट्टरवादी जैसा माहौल नहीं बना। इस वजह से भी उसे अपनी जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने में मदद मिली। कई राजाओं के साथ उसने वैवाहिक संबंध बनाए, इस तरीके से उसने काफ़ी शादियाँ की, लेकिन वो सारे वैवाहिक तरीके से थे, राजनीतिक थे सारे, उनसे कोई विवाह से कोई उसको मतलब नहीं था। सिर्फ ये था कि जिस राजा को प्रॉब्लम होती थी वो अपनी बेटी से शादी करा देता था कि हमें हमारा राज्य सेफ रहे। तो इस तरह से कभी लोग मानते हैं कि उसके करीब हज़ारों पत्नियाँ थीं, हालांकि वो सबसे ज़्यादा जोधा को मानता था, लेकिन उसकी हज़ारों रानियाँ थीं, कोई तो 5,000 तक बताता है, हालांकि सारी राजनीतिक थी, उनका कोई लेना देना नहीं था। तो मनसब सिस्टम सिर्फ वो जब घूमता था, कभी कभी वो टहलने निकलता था बीरबल के साथ, तो उसे चीज़ों को दिखाई दी, वेश बदल के जाता था, तो उसे समझ में आया कि जनता इतना कुछ करने के बाद भी खुश नहीं है। तो फिर वो अपने सारे नवरत्न लोग को बैठाया, फिर सोचा कि क्या करना चाहिए। तो उसमें टोडरमल ने सुझाव दिया कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। तो टोडरमल जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक तरह से सैलरी वाला काम। तो उन्होंने ये कहा कि
कुछ मामला है सैलरी से रिलेटेड, जो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं उनको भी अच्छे से पैसा नहीं मिलता, जो बाद में आए हैं उनको भी अच्छे से उस तरह से नहीं होता, इसलिए सारे लोग नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का यही कारण है। तो अकबर ने कहा कि कोई एक सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए, जो जिस लायक हो उस हिसाब से उसको सैलरी दी जाए। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, तो उस सैलरी के तहत जो मिनिमम था वो 10 रुपये बनाया गया, मिनिमम सैलरी 10 थी और मैक्सिमम 12,000। उस समय 12,000 जो मिलता था वो सेक्रेटरी लोग को मिलता था, यानी जो मेन उसके अधिकारी होते थे IAS टाइप, अब के तो वो लगभग नवरत्न टाइप के लोग, इन लोगों की सैलरी थी 10,000-12,000। और ऐसा भी रूल बना कि हर 10 ईयर में वो इंक्रीज भी होगा, हर 10 ईयर्स में। तो जब ऐसी चीज़ें हुई तो फिर लोगों ने अकबर को काफ़ी अच्छा माना और उनको एक उपाधि दी। तो जो नाम उसका पहले जलालुद्दीन अकबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद या अबुल जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद, तो उसका नाम उसमें अकबर जोड़ा गया। तो ये नाम उसको मिला अच्छे कारनामों की वजह से, और अकबर का मतलब होता है खुदा के समान या खुदा तुल्य। अब नवरत्नों उसके क्या क्या थे, नवरत्नों में सबसे पहले थे बिरबल। बिरबल का जो एक हिंदू थे तो उनका नाम था महेश दास, उनको एडवाइज़र बनाया था। तानसेन दूसरे नवरत्न थे और उनका, वो भी एक हिंदू थे, उनका नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे और ये थे म्यूजिशियन। तीसरे नवरत्न थे टोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर, तो लेखा दोखा, वित्तीय लेखा दोखा था उनका। मानसिंह जो कि भतीजा थे जोधा बाई के, तो काफ़ी अकबर चलाक था, ज़्यादातर हिंदुओं को मिला के रखा था, कि जब हिंदुओं को साथ में, जब बिना लिए हुए एक हिंदू जैसे राष्ट्र में ज़्यादा देर तक शासन नहीं किया जा सकता, तो उसने काफ़ी कूटनीति अपनाई थी। चीफ कमांडर बनाया मानसिंह को। अब्दुल रहीम खान खाना, ये पोएट थे, और ये अब्दुल रहीम खान खाना वही हैं जो जहांगीर के मुख्य शिक्षक भी थे और ये बैरम खान के पुत्र थे। तो रहीम खान खाना को बैरम खान के लिए अपने यहाँ रखा था, तो बैरम खान इनके मुख्य संरक्षक रहे, तो उनके रिस्पेक्ट में भी, और ये अच्छे पोएट भी थे, तो इसलिए अब्दुल रहीम खान खाना पाँचवें नवरत्न में थे। अबुल फजल और फैजी, ये दोनों रियल भाई थे, ये दोनों ही रियल भाई थे। इन्होंने लिखा था आईने अकबरी और अकबरनामा, जो बायोग्राफी थी अकबर की वो पर्शियन में लिखा गया था इसको। उसके बाद जो आठवें नवरत्न थे वो भगवान दास थे। किसी किसी बुक में और कुछ भी मिलता है, हकी मुक्का इस तरीके से, वो भी एक पोएट थे। और मुल्ला दो प्याजा नौवें रत्न, और ये उनके नवरत्नों में ये कुक थे। तो इस तरीके से उसके नवरत्न थे। जब उसे किसी से भी ज़्यादा सलाह लेना पड़ता था तो वो इन लोगों से सलाह लेता था, उसमें सबसे प्रमुख में आते थे बिरबल, जिनसे हर मुद्दे पे वो सलाह लेता था अक्सर, और सबसे होशियार भी मानता था उनको, और उन्होंने काफ़ी बार उससे चीज़ों को प्रूव भी किया। उसके कुछ कल्चरल कोट थे, वो कुछ एक दीवाने आम था, आम उसने बनाया था। दीवाने आम ऐसा था जहाँ पे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम या कल्चरल प्रोग्राम कोई होगा तो वहाँ सभी लोग आ सकते हैं या वो देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन और एक दीवाने खास बनाया था जहाँ पे केवल मेन लोग आते थे, और अगर किसी से मिलना होता था, बाहरी कोई राज्य से कोई आता था उनसे मिलना हो तो उन्हें दीवाने खास बुलाया जाता था। तो ये आम लोगों के लिए था, ये एक तरह से बहुत खास लोगों के लिए था, या बड़े लोगों के लिए था, या जो युद्ध की राजनीति वगैरह होती थी तो वो इन सब लोगों के लिए था, या उससे चुनिंदा लोग ही उसमें आते थे, सब लोग उसमें नहीं आते थे। उसने एक और सिस्टम बनाया था बड़ा अच्छा, तुलादान सिस्टम। जब वो बहुत खुश होता था कोई विजय प्राप्त करने के बाद, तो वो अपने भार के बराबर, अकबर के जितना वेट था उसके बराबर, वो सिक्के सोने के या चांदी के सारे जेवरात अपनी वज़न के बराबर उसको तुला में तोलवा के फिर उसको बंटवा देता था गरीबों में। ये भी उसकी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। उसके दौरान काफ़ी कुछ बिल्डिंग्स बनी हैं, जिसमें आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, जोधा बाई महल,
और उसने एक शीश महल बनवाया था आमेर के अंदर, जो शीश महल बनवाया था वो आमेर के अंदर बनवाया था, तो वो भी काफ़ी फेमस है। फिर 1605 में अक्टूबर में, करीब 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर से उसकी तबीयत ख़राब हुई, 2 अक्टूबर 1627 में, और वो फिर उससे रिकवरी नहीं कर पाया, और जहांगीर भी कुछ खास उसको सपोर्ट कर नहीं पा रहा था। उसके जो स्वभाव थे वो थोड़े से अय्याशी वाले ज़्यादा थे, तो वो बहुत ज़्यादा अकबर को कभी सपोर्ट कर नहीं पाया, बल्कि उसका जो लड़का था खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहाँ की उपाधि दी जहांगीर ने ही, उसने काफ़ी मदद किया, तो उससे वो फिर रिकवर नहीं कर पाया। फिर करीब 27 अक्टूबर 1605 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर जहांगीर मुग़ल सल्तनत को आगे बढ़ाया। उसका जो टम्ब है वो सिकंदराबाद में बना, जो कि आगरा में है, सिकंदराबाद में, आगरा में। ये सारी चीज़ें थी अकबर के बारे में, और ये अगर इतना आप कायदे से देख लेते हैं तो शायद ही कुछ छूट पाए, मतलब सारी चीज़ें लगभग हमने कवर कर दी हैं, शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। काफ़ी कुछ इसमें पूछा जाता है, जो पानीपत का युद्ध दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था, तो वो 1556 में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, हेमू के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि जोधा बाई से उनका, वो कहाँ के रहने वाली थी, या फिर वो फर्स्ट राजपूत कौन से थे जिन्होंने मुग़ल राज की अधीनता को स्वीकार किया। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिर ये काफ़ी बिल्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से मनसबदारी प्रथा किसने चलाया, वो ये सब है। उसके मेन जो थे ऑपरेटर वो कौन थे, तो वो टोडरमल थे, इस तरह से। अकबर की उपाधि उनको कब मिली, ये सारी चीज़ें काफ़ी पूछता है। महाराणा प्रताप से उनका युद्ध कब हुआ था, वो हल्दी घाटी में हुआ था, मेन उसमें मानसिंह को उन्होंने बनाया था। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अकबर से रिलेटेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। तो ये था जहांगीर का कार्यकाल, जो था वो 1605 से लेके 1627 तक था, तो करीब करीब 22 साल जहांगीर ने शासन किए थे। उसके जो गोल्ड जो एरा था उसको प्रिंटिंग के लिए या चित्रकला के मामले में बहुत ही उत्कर्ष माना जाता है, एक्टिव था। उसका जो बर्थ हुआ था वो 30 अगस्त 1569 में, बचपन का नाम उसका सलीम था। सलीम इसलिए था कि जो एक सलीम शेख चिश्ती थे उनके दरगाह पे ये मन्नत मानी गई थी पुत्र के लिए, क्योंकि अकबर को बहुत दिनों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो वहाँ पे जाकर एक मन्नत माना था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम था सलीम। तो ये 1605 में जब नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के रूप में सिंहासन पे बैठा, अकबर की मृत्यु के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि लेकर, इस उपाधि को धारण करके ये गद्दी पर बैठा। इसका जो टीचर थे, मेन टीचर जो थे, वो अब्दुल रहीम खान खाना, ये वही हैं जो बैरम खान के पुत्र थे। इसने अकबर के समय में काफ़ी जो है दूसरे टाइप का माहौल जिया, एक तरह से ऐस करना जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी टाइप का जीवन जिया बहुत ज़्यादा। तो और इसलिए भी शायद हो गया कि इसको काफ़ी भड़काने वाले लोग रहे, हमेशा इसको भड़काते रहे, और जिसकी वजह से इसको राजगद्दी पे आने में भी बहुत समय लग गया, और उधर अकबर काफ़ी दिनों तक शासन भी किया, और ये उस लायक था भी नहीं कि अकबर इसको सिंहासन पे बैठाए। तो इस तरीके से कुल मिला के जैसे भी जहांगीर को काफ़ी वक्त हो गया, इसका जो जन्म था वो 69 में था, और वो गद्दी पे बैठा है 1605 में, तो देख सकते हैं काफ़ी लंबा अंतराल है, लगभग 36 ईयर। इतना ज़्यादा अंतराल कभी भी नहीं होता है किसी को राजा बनने में, तो इसलिए भी ये काफ़ी परेशान रहा फिर बाद में कि हम कब एक तरह से उसका बादशाह बनेंगे। तो उसकी बारी आई फिर 1605 में, जब अकबर की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक ये
जो इसके लड़के थे वो भी बड़े हो गए थे, करीब 18-19 साल के, ये 36 साल का था, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था खुसरो, खुसरो ने तुरंत विद्रोह कर दिया। जब वो 1605 में इसने गद्दी को संभाला तो तुरंत जो सबसे बड़ा था खुसरो जो 1587 में ही पैदा हो गया था, 1587 में, और खुसरो की जो मदर थी वो थी ये मान भावती बाई, और इसको बाद में शाह बेगम का दर्जा दिया था जहांगीर ने, जब खुसरो पैदा हुआ था तो उसको शाह बेगम का दर्जा दिया था जहांगीर ने। तो जो खुसरो था, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो इस बीवी का था, इसने 3 शादियां की थी। 1585 में जो शादी हुई थी वो मान भावती बाई से हुई थी, और उन्हीं को बाद में उसने शाह बेगम का दर्जा दिया जब खुसरो हुआ। तो यही खुसरो था जिसको अर्जुन देव इसको कुछ बढ़ा चढ़ा दिए, और उनकी मदद से, और ये दोनों मिले थे गोइंदवाल में। अर्जुन देव 5th गुरु हैं, सिखों के पांचवे गुरु थे। तो इस अमीर खुसरो के, लेकिन जहांगीर की सेना इतनी बड़ी थी कि जो खुसरो का विद्रोह था वो चल नहीं पाया, और उसने उसको अच्छे से दबा दिया, और फिर खुसरो मारा गया। और उस खुसरो के विद्रोह की वजह से उसको पता चल गया कि उसमें हाथ अर्जुन देव का भी था, उन्होंने उसको सहायता दी थी या फिर सजेशन दिया था, उसने अर्जुन देव को भी फांसी दिलवा दी। उसने 3 शादियाँ की थी 1585 में, मानवती बाई से किया था, भावती बाई से, उसके बेटे थे खुसरो और परवेज, 2 बेटे, जगत गोसाई 1587 में शादी किया था जगत गोसाई से, जिसको बाद में उसने टाइटल दिया जोधा बाई का, तो एक तरह से जोधा का टाइटल दिया ये। तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि जो जहांगीर था उसकी मदर भी जोधा थी और उसकी पत्नी भी जोधा थी, तो वो जोधा अलग थी, ये जोधा अलग थी, उसने जोधा का टाइटल दिया था। वहाँ पे अकबर ने जोधा का टाइटल दिया था, और यहाँ पे जहांगीर ने जगत गोसाई को जोधा का टाइटल दिया था। और जो तीसरी शादी हुई थी उसकी, वो मेहरुन्निसा से हुई थी, जो अनारकली के नाम से फेमस थी, और उसी को बाद में इन्होंने नूरजहाँ की उपाधि दी, नूरजहाँ। और ये मेहरुन्निसा की दूसरी शादी थी, इसके जो एक और पति थे उनसे पहले से इसको एक लड़की थी जिसको लाडली बुलाती थी, ये लाडली, ठीक है। तो जो खुर्रम जो बाद में शाहजहाँ के नाम से फेमस हुआ, वो इन्हीं का बेटा था, जगत गोसाई का, या जगत गोसाई उन्हीं का बेटा था जिसको बाद में जोधा बाई कहा। तो खुर्रम ही बाद में शाहजहाँ बना, और शहरयार और लाडली का बाद में आपस में शादी हो गया। तो जो पुत्री थी वो इसकी थी मेहरुन्निसा का, और शहरयार जो था वो जहांगीर का पुत्र था, तीनों ने आपस में इसकी शादी करा दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेहरुन्निसा की जो शादी थी वो 1611 में हुई थी, और उस समय तक जहांगीर काफ़ी बूढ़ा हो गया था, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ था वो 1569 में था, 31 उधर और इधर 11, करीब 42 ईयर का हो गया था। तो इस वजह से फिर उसकी ज़्यादा चलती नहीं थी बाद में। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब जहांगीर थोड़ा सा बीमार रहने लगा या फिर उसकी थोड़ी सी स्थिति ख़राब होने लगी, तो फिर मेहरुन्निसा जो थी ये एक्टिव हुई, और वो क्या की कि वो चाहती थी कि जो उसकी पुत्री है और उसके जो दामाद हैं शहरयार, इनके लिए गद्दी को सुरक्षित करें। तो इसके इन चीज़ों को देख के, जो कि खुर्रम था शाहजहाँ, खुर्रम उसने विद्रोह कर दिया 1622 ईस्वी में, 1622 में। हर चीज़ों को सुनिए तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये काफ़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा है उससे ज़्यादा क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो 1622 में खुर्रम ने विद्रोह किया, लेकिन उसको महावत खान की मदद से
नूरजहाँ ने दबा दिया, लेकिन बाद में फिर महाबत ने परवेज़ को बनाने के लिए उनको गिरफ़्तार कर लिया, नूरजहाँ और जहांगीर दोनों को गिरफ़्तार कर लिया महाबत खान ने, और उसने इस शर्त पे छोड़ा कि परवेज़ खान को गद्दी पे बैठा सकते हैं परवेज़ को। लेकिन फिर परवेज़ की भी हालत कुछ ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा शायद शराब वगैरह पीने की वजह से उसकी मौत हो गई, और जो खुर्रम था शाहजहाँ वो तो इसी मौके की ताक में था, वो तुरंत फिर महाबत खान भी उसके साथ मिल गया और वो तुरंत सब वापस आए, और उसी बीच जहांगीर की भी मृत्यु हो गई और दिल्ली का बादशाह बन गया शाहजहाँ। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जहांगीर के बारे में हैं, वो कुछ ऐसे हैं। उसको चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था, न्याय की जंजीर, या किंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता था। उसके ज़माने में जस्टिस बहुत फेमस रहा, उसने उसके महल के बारे बाहर एक घंटी बांध रखी थी, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो चाहे तो बाहर से ही घंटी दबा दे और उसको फिर राज दरबार के अंदर लाया जाता था, उसकी चीज़ें सुनी जाती थी। और वो इंसान क्या, कभी कभी अगर कोई जानवर भी घंटी दबा दे तो उसको भी अंदर लाया जाता था और उसके साथ डिस्कशन होता था उसके बारे में। तो ऐसी थी उसकी जो न्याय व्यवस्था थी। 1608 ईस्वी में कैम्पटन हॉकिंस आया था उससे मिलने के लिए। 1615 में सर थॉमस रो आए, ये सारे कंपनी की उसके लिए आए थे, अपनी कंपनी लगाने के लिए, परमिशन के लिए। उसी तरह विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी भी आए थे। तो उसके समय में सबसे पहले ब्रिटिश से ये सारे लोग आए थे, कुछ वहाँ से भी आए थे, अफगान से भी। इसकी ऑटोग्राफी, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी की थी, तुजुके जहांगीरी, ये पर्शियन भाषा में थी जो इसने खुद लिखी थी। तो ये लिखा हुआ पर ये शिक्षित था। इसका जो टम्ब था वो बना था लाहौर में, इसको बनवाया था नूरजहाँ ने। नूरजहाँ की जो मदर थी वो थी असमत बेगम, नूरजहाँ की जो माँ थी वो असमत बेगम थी, और नूरजहाँ कि जो माँ थी उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि बताया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि उस समय थी वो किसने बताई थी, तो वो नूरजहाँ की माता थी असमत बेगम, उन्होंने बताया था। 1627 में जहांगीर का डेथ हो गया। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से पूछती हैं कि जो चित्रकला के रूप में मशहूर मुग़ल शासक था वो कौन था, तो जहांगीर था। फिर अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई, तो जहांगीर ने दिलवाई। न्याय की जंजीर किस मुग़ल शासक को कहा जाता है, तो वो जहांगीर है। जो ये सारे ब्रिटिश लोग आए थे, जो वो लोग किसके शासनकाल में आए थे ऐसा भी पूछा जाता है, तो वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तुझके बाबरी या तुझके जहांगीरी किस लैंग्वेज में है, तो वो पर्शियन में है इस तरीके से। फिर उसका टॉम्ब कहाँ पर है, तो वो लाहौर में है जो नूरजहाँ ने बनवाया था, अब पाकिस्तान में है वो। तो ये सारी चीज़ें जहांगीर से रिलेटेड थी, तो शायद ही कुछ यहाँ पे छूटा हो। तो ये दूसरी शादी हुई थी मेहरुन्निसा की, तो ये उससे काफ़ी पसंद करने लगा था। ये नाचती थी, इस जिसका नाम अनारकली था वहाँ पे कहीं पे, और बाद में वो नूरजहाँ बनी। अब हम चलते हैं शाहजहाँ की तरफ। तो जो शाहजहाँ का कार्यकाल था, जो बचपन में उसका नाम खुर्रम था, 1627 से 1658 तक ये शासन किया। इसका जो एरा था वो बिल्डिंग्स के लिए काफ़ी मशहूर है, इसने काफ़ी अच्छे से बिल्डिंग्स बनवाई। इसका जन्म हुआ था लाहौर में 1592 में, और इसकी माता थी वही जगत गोसाई, जिसको जोधा बाई का नाम दिया जहांगीर ने, ये जहांगीर का बेटा था। ठीक है, तो इसकी जो शादी हुई थी वो 1612 में हुई थी अर्जुनमंद बानो बेगम से। अर्जुनमंद बानो बेगम ये पुत्री थी आसिफ खान का, आसफ खान की पुत्री थी, और ये नूरजहाँ का भाई था। जो आसफ खान था वो नूरजहाँ का भाई था। ये नूरजहाँ, जिसका ओरिजिनल नाम कभी कभी पूछता है, मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा के भाई थे असरफ आसिफ खान,
आसफ खान और उनकी पुत्री थी अर्जुनमंद बानो बेगम, जिसको बाद में मुमताज महल कहा गया और उन्हीं के नाम पे फिर ताजमहल बना और उसको मलिकाए ज़मानी की उपाधि दिया था शाहजहाँ ने। ठीक है, तो आसफ खान की पुत्री थी अर्जुनमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ बेगम मुमताज़ महल का नाम मिला और फिर उनको मलिकाई ज़मानी की उपाधि दी गई, और जो आसफ खान था वो नूरजहाँ का भाई था। तो ये सब आपस में रिलेटेड थे, आपस में ही सब रिश्ता कर लिए थे और ऐसा होता भी है उन लोगों में। खैर 1632 में हुगली रिवर के करीब उसने एक सिटी बनाई जो शाहजहानाबाद, ये नाम से जान सकते हैं कि कौन बनाया है, शाहजहाँ ऑलरेडी लिखा है इसमें शाहजहानाबाद। इसके बेटे थे, चार बेटे थे इसके, दारा सिको सबसे बड़ा था, फिर सुजा, तीसरा बेटा था औरंगजेब और चौथा था मुराद, और चारों लगभग सक्षम थे। इसको काफ़ी योगदान दिए हर जगह लड़ाई में, इधर उधर कई जगह की सूबेदारी सब संभाल रहे थे उस समय। हालांकि जो चारों श्रेष्ठ थे तो फिर चारों में फिर लड़ाई भी शुरू हो गई उत्तराधिकार के लिए, जो वाकई में फिर बाद में मुग़ल सल्तनत के एक तरह से पतन का कारण बना, क्योंकि फिर वो हर कोई उत्तराधिकार था, अगर कोई अच्छा नहीं होता तो बल्कि वो पीछे रहता। दारा सिको सबसे ज़्यादा विद्वान था, औरंगजेब बहुत कट्टर था, तो इस तरीके से ये लगभग सारे सक्षम थे, इसलिए बाद में इनके बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई। तो हुआ क्या, बाद में फिर शाहजहाँ को बंदी बना लिया औरंगजेब ने, ये चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। तो ताखे तौस बनाया था, तख्ते तौस, जिसमें कोहिनूर लगे हुए थे, कोहिनूर 1635 ईस्वी में, और उसी समय उसी ईयर में नगीना मस्जिद भी बनवाया था। तो इसके कार्यकाल में बिल्डिंग्स काफ़ी बनी हैं अच्छी अच्छी, जैसे ताजमहल का तो कोई जवाब ही नहीं है, 1631 से 53 लगभग 22 साल लगे इसको बनाने में। और इसको बनाने में जो मेन दो कारीगर थे वो ये दोनों थे, उस्ताद अमर लाहौरी और उस्ताद ईशा खान, और यही दो मेन हैं जिनका हाथ कटवाया था शाहजहाँ ने कि ऐसा कोई दोबारा ना बना पाए। बहुत लोग बोलते हैं कि जितने 40-50 हज़ार थे कर्मचारी उन सबके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ दो मेन कारीगरों के हाथ कटवाए थे, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान का। फिर रेड फोर्ट बनवाया उसने 1638 में दिल्ली में, 1644 में जामा मस्जिद का निर्माण कराया दिल्ली में, 1648 में मोती मस्जिद आगरा में। मोती मस्जिद थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि मोती मस्जिद औरंगजेब ने भी बनवाया था, तो औरंगजेब की जो मोती मस्जिद थी वो दिल्ली में बनी थी। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर डायरेक्ट मोती मस्जिद पूछता है तो शाहजहाँ बताएंगे, अगर दिल्ली की मोती मस्जिद पूछेगा तो हम बताएंगे कि औरंगजेब ने बनाया था। ये ध्यान रहे, मोती मस्जिद आगरा में बनी है शाहजहाँ के द्वारा, और यही मोती मस्जिद दिल्ली में बनी है रेड फोर्ट, और शाहजहाँ ने लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। तो कभी कभी पूछता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में एक लाल खां थे जिनको किसको गुण समंदर की उपाधि मिली थी, तो वो लाल खां को मिली थी। उसके शासन में जो प्रमुख चित्रकार थे वो मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम थे, जो काफ़ी फेमस थे। उसी ने सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था, और 1657 से उसके हालात ख़राब होने लगी। जब उसके हालात ख़राब होने लगे तब जो चारों भाई थे दारा सिको सुजा औरंगजेब और मुराद में आपस में लड़ाई शुरू हो गई अंदर ही अंदर। तो उन्होंने काफ़ी एक बड़ी सेना खड़ी रखी थी, जहाँ जहाँ के वो सूबेदार थे बड़ी बड़ी सेना रखते थे, तो आपस में लड़ाई होने लगी उनके बीच। और 1658 में औरंगजेब जो था वो डेक्कन का था, जो काफ़ी फेमस माना जाता है सूबेदार था, तो उसने अरेस्ट कर लिया उसी आगरे के किले में, जो एक तरह से शाहजहाँ का रिक्वेस्ट भी था कि हमें उसी में रखो जहाँ से वो मुमताज़ को देख पाए, क्योंकि जो मुमताज़ थी वो बहुत ज़्यादा जी नहीं पाई, करीब 1631 में उनकी डेथ हुई थी 1631 में। तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो रही नहीं, 1627 में ये बादशाह बना और उसके बाद 3-4 साल के अंदर ही वो मर गई, जिससे वो बड़ा परेशान रहता था। तो उसकी हालत ख़राब होने की वजह से 1658 में जहाँ औरंगजेब ने उसको अरेस्ट कर लिया,
और जहां उसकी करीब 8 साल तक कैद में रहने के बाद डेथ हो गई। तो उसके जो अंतिम समय थे, जो कि वो पूरी लाइफ अकबर को भी काफ़ी सपोर्ट किया, जहांगीर को भी काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे जीतों में उसका योगदान था, लेकिन उसके जो लास्ट के दिन रहे वो काफ़ी बुरे रहे। 8 साल वो कैद में बिताने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी शाहजहाँ के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं सारी चीज़ें। पहले तो एक बिल्डिंग्स को लेके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बाद जो सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था, तो शाहजहाँ था। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं आगे। एक और यहाँ पे फेमस था मयूर सिंहासन, उसने बनवाया था मयूर सिंहासन, काफ़ी फेमस रहा। तो कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन किस मुग़ल शासक ने बनवाया था, तो वो था शाहजहाँ। अब चलते हैं लास्ट है औरंगज़ेब के बारे में। तो मुग़ल सल्तनत के लगभग लास्ट विस्तारक माना जाता है इसको, और यहीं से इस फिर पतन भी स्टार्ट हो जाता है। और 1707 है ये, 87 नहीं है, 1707। और फिर 1857 तक जाने में 17 के करीब राजा बनते हैं, तो काफ़ी पतन होता है, और 1857 में फाइनली मुग़ल का पूरी तरीके से अंत हो जाता है। तो चलिए औरंगज़ेब को देखते हैं। इसका जन्म हुआ था 1618 में दोहाद में, जो कि गुजरात में पड़ता है, और इसकी जो मदर थी वो थी मुमताज़, यही मुमताज़ अर्जुन मंद बानो बेगम। इसने शाहजहाँ को हटाने के बाद जो गद्दी पर बैठा, तो आलमगीर का टाइटल लेके गद्दी पर बैठा इस टाइटल के साथ। ये काफ़ी कट्टर रहा, मुस्लिम कट्टर था, तो इसको लोग इतना ज़्यादा कट्टरपंथी किया कि इसको जिंदा पीर बोलते थे। और उसने अपने आप को शाही दरवेश भी कहा था। दरवेश का मतलब होता है फ़कीर, मतलब एक तरह से, और आलमगीर का भी मतलब है कि एक तरह से वो अपने को खुदा के तुल्य मानता था, या खुदा के बाद अपने आप को मानता था। तो कुछ इस तरह से था कि जो वो कह रहा है उसको खुदा के समान उसकी बात को माना जाए, और जो नहीं मानेगा उसको मैं मार दूंगा, ये ऐसा कुछ उसका सिचुएशन था। उसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। एक बार राज्याभिषेक तब किया जब वो अरेस्ट किया शाहजहाँ को, तो आगरा फोर्ट में ही अपना राज्याभिषेक करा लिया था। और दूसरी बार जब बैटल ऑफ देवराई हुई दारा सिकोह के साथ 1659 में, तो उसमें दारा सिकोह मारा गया, और उसने फिर दूसरी सेरेमनी मनाई रेड फोर्ट में, यानी लाल किले में। और दारा सिकोह फेमस है, जो भगवत गीता है हमारी, हिंदुओं की भगवत गीता को पर्शियन में चेंज किया था दारा सिकोह, उसके लिए वो काफ़ी फेमस है। तो कभी कभी पूछता है कि वो कौन सा मुग़ल शासक था जो भगवत गीता को पर्शियन में चेंज किया, तो वो दारा सिकोह था। काफ़ी विद्वान था ये और सक्षम था, इसीलिए शायद शाहजहाँ ने उसको गद्दी पे बैठाना भी चाहा था, लेकिन औरंगज़ेब का इरादा कुछ और ही था। फिर शाहजहाँ अरेस्ट हुआ 1658 में, तब वो पहली बार किया था, और जब वो दारा सिकोह को मारा उसके बाद दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। फिर उसने काफ़ी ऐसे काम भी बंद कराए जो उसको काफ़ी कट्टर बनाते हैं, जैसे 1669 में झरोखा दर्शन को बंद कराया। झरोखा दर्शन मुग़ल शासकों में एक ऐसी चीज़ थी जो अकबर के समय लगभग सही शुरू हुई थी। वो ऐसा था कि वहाँ पे जो महिलाएं थी वहाँ की मुग़ल की, वो भी कहीं से भी बैठ के उन सारी चीज़ों को देख सकती थी जो राजनीति की चर्चा होती थी, या कुछ सजेशन वगैरह भी वो वहाँ से दे सकती थी, तो सारी चीज़ों को एक झरोखे के थ्रू देख सकती थी। लेकिन इसको ये गलत लगा औरंगज़ेब को कि इसमें महिलाओं का कोई काम नहीं है, महिलाओं का राजनीति में कोई काम नहीं है, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। तो उसने झरोखा दर्शन टाइप का कुछ सब भी बंद करा दिया। उसी 1609 में टर्मिनेट कर दिया म्यूजिशियंस को, उसको वो हराम मानता था, जो संगीत है उसको वो हराम मानता था, ये फालतू चीज़ है, उसको वो टर्मिनेट किया। जितने भी राजदरबार म्यूजिशियन थे जो अकबर ने सारे बना रखे थे, उन सबको भी वो हटाया। फिर कहिए तुलादान जो अकबर के समय प्रथा थी उसको वो बैन कराया 1670 में। नवरोज फेस्टिवल जो काफ़ी फेमस है अभी भी होता है, तो 1265 में
बलवन ने स्टार्ट किया था उसको, उसको भी ये बैन किया, बंद करा दिया। जजिया जो ख़त्म कर दिया था अकबर ने, उसको भी इसने 1679 में शुरू कर दिया, जजिया टैक्स भी। तो इस तरह से ये काफ़ी कट्टर रहा और इसकी वजह से बहुत सारा पतन का कारण भी बना, क्योंकि इससे हिंदू दूर होते चले गए, मुस्लिम कट्टरवादी होने से हिंदुओं से दूरी बन गई। और काफ़ी जो राजा थे जो इससे कटना चाह रहे थे, जैसे जैसे ये वीक होता गया वैसे वैसे वो उभरते गए और धीरे धीरे मराठा हो गए और सारी चीज़ें जब उठी तो फिर इसका पतन शुरू हो गया। बिल्डिंग्स में इसकी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट ये दिल्ली में बनवाया था, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में 1679 में, और इसको ये ब्लैक ताजमहल के नाम से फेमस है। तो जो शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, वो उसमें वाइट कलर के स्टोन लगे थे, या कहें तो संगमरमर लगे थे, और इसने जो ताजमहल बनवाया था वो बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा था जो इसने अपने बीवी के लिए बनवाया था, इसलिए उसको बीवी का मकबरा बोलते हैं। वो ग्रे रंग के स्टोन से बनवाया था, उसकी आकृति देखेंगे तो हूबहू उसी के जैसी है जो स्ट्रक्चर था, तो उसको भी हम ताजमहल बोलते हैं, लेकिन ब्लैक ताजमहल। और ये है महाराष्ट्र में औरंगाबाद महाराष्ट्र, उसका जो टॉम्ब है वो भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही है। इसने 9वें गुरु, सिखों के 9th गुरु जो तेग बहादुर थे, उनको फांसी पर लटकवा दिया था 1675 में, और 1707 में खुद इसकी डेथ हो गई थी। और इसके डेथ के साथ, क्योंकि इसने किसी को बहुत अच्छे से खड़ा नहीं किया था, तो इसके मुग़ल शासन का पतन भी शुरू हो गया था, क्योंकि ये इतना कट्टरवादी था कि किसी को मिलाया नहीं था, तो काफ़ी चीज़ें इसके लिए दिक्कत वाली हुई, जो बाद में कोई शासन करने वाला नहीं बचा। और का 1707 से लेकर 1857 में कभी करीब 17 राजा हुए और इनका पूरी तरह से पतन हो गया, और 1857 तक जाते जाते पूरी तरीके से मुग़ल सल्तनत गायब हो गया, फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया। तो ये था पूरा जो हमने दो पार्ट में बनाया है, तो अगर कोई दोनों पार्ट देख लेगा तो फिर उसे मुग़ल और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगभग हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो एक पहला पार्ट था और आज ये दूसरा पार्ट था जो कि कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।